दोस्तों मारुति की बहुत छोटी सी बहुत प्यारी सी गाड़ी है, ये है वैगनार 1000 सीसी के अंदर BS6 वेरिएंट है। फेज वन में अप्रूवल पहले से आ चुका है, फेज टू में भी अप्रूवल ऑलमोस्ट आने ही वाला है। इस गाड़ी के अंदर कौन सी किट का अप्रूवल आया, इसमें आया मीजो का अप्रूवल और मीजो मोटोजन। खैर BS6 के अंदर दोनों का ज्वाइंट वेंचर हो चुका है, आप मीजो लगवाओ मोटोजन लगवाओ कोई फर्क वाली बात नहीं है। इस गाड़ी के अंदर हमने किट चूज की है मीजो और इसके अंदर जो हमने पार्ट्स लगाए हैं और जो फिटमेंट की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें डबल ECM लगाया हुआ है। डबल ECM मतलब ये है आपकी 6 इंजेक्टर वाली गाड़ी। वैसे नॉर्मली आप मार्केट में देखते हैं वैगनार आपको मिलेंगे 3 इंजेक्टर के साथ में, बट BS6 में एवरेज को बढ़ाने के लिए कंपनी ने 3 की बजाय 6 इंजेक्टर दिए हैं और हमने भी यहाँ पर डबल ECM लगाया हुआ है, सो दैट की आपके 3 इंजेक्टर वाला ECM नीचे वाला है, अगले 3 इंजेक्टर वाला ECM ऊपर वाला है। दोनों ही मीजो के ECM है, 48 पिन के दोनों ECM है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी की सारी वायरिंग को ट्रिपल लेयर में कन्वर्ट किया हुआ है। ये जो वायरिंग है ये अपनी एक ECM की, ये वाली दूसरे वाली ECM की, और ये गाड़ी की अपनी वायरिंग है। तो तीनों की तीनों वायरिंग मैच हो चुकी है। गाड़ी के अंदर और एक्स्ट्रा काम क्या किया, ये है आपका डबल स्टेज का रिड्यूसर जो कि अपने आप में बहुत अमेजिंग रिड्यूसर है। यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों तरफ पाइप निकले हुए हैं जो कि कूलेंट के कनेक्शन किए हुए हैं। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमने जो कूलेंट के कनेक्शन है उसके ऊपर भी हमने स्लीव रोल चढ़ाया हुआ है, सो दैट की लीकेज के चांसेस बहुत कम रहे, हीटिंग के चांसेस कम रहे। ये तो रहा फ्रंट साइड से फिटमेंट कैसी की है दोस्तों। यहाँ पर अब मैं आपको दिखा देता हूँ इस गाड़ी में बैक साइड से कितना बढ़िया बूट स्पेस निकल गया है। छोटी गाड़ी होने के बावजूद भी इस गाड़ी के अंदर बूट स्पेस बहुत अमेजिंग आया। टाटा की गाड़ियां देखते हैं, टाटा की गाड़ी के अंदर जैसे कंपनी 2 सिलेंडर लगाती है और उसके बाद बूट स्पेस जो बताया, यहाँ पर हमने एक इकलौता सिंगल सिलेंडर लगाया है, उसके बाद कितना भी लगेज आप इसमें रख सकते हैं, कोई भी लगेज की प्रॉब्लम नहीं है। इतना बढ़िया बूट स्पेस निकल के आया, ऐसा लग रहा है कि गाड़ी में शायद CNG किट लगी ही नहीं है अगर स्टेपनी निकाल दी जाए। ये तो रहा कि बैक साइड से फिटमेंट कैसी की है। इसके अलावा जब गाड़ी में गैस फिलिंग कराने के लिए आप पंप पे जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक फील गुड फैक्टर आएगा गैस भराने वक्त, गैस को भराते वक्त। तो यहाँ पर आप इजीली इसको खोल के गैस फिल करा सकते हैं, आपको बिल्कुल ऐसा फील लगने वाला है कि आपने कंपनी से CNG किट लग के ली हुई है। दोस्तों ये जो गाड़ी है वैगनार बहुत हल्की गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं जब आप गाड़ी को देखते हो तो सीट को देखते हो तो बिल्कुल सेफ्टी वाली बात नहीं है, बहुत हल्की गाड़ी है। तो यहाँ पर इस कार के ओनर ने इस गाड़ी के चारों गेट पे और नीचे की तरफ यानी कि आपके जहाँ पर सिलेंडर लगाया हुआ वहां पर डैम्पिंग का काम कराया हुआ है। और डैम्पिंग का इम्पैक्ट क्या आता है, फर्क क्या आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर सीट है, हमने इसको मारा है तो बहुत हल्की मतलब आवाज आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर सॉलिड आवाज दिखाई दे रही है। जैसे गाड़ी टाटा की गाड़ियां होती है जिनमें आप गेट पर देखोगे तो एक इम्पैक्ट नजर आता है आपको, तो ये डैम्पिंग से कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट भी मिलता है। तो यहाँ आप अपनी गाड़ी में भी डैम्पिंग का काम करा सकते हो CNG किट लगवाने के साथ साथ में, अगर आपके पास कोई मारुति की गाड़ी है। हाँ अगर आपके पास कोई टाटा की गाड़ी है तो जरूरत नहीं है डैम्पिंग का काम कराने की। अब इस गाड़ी का जो टेस्ट ड्राइव लेके आए हैं तो इस कार के ओनर से भी पूछेंगे गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी निकल के आ रही है, क्योंकि जब हम बात करते हैं CNG किट लगाने की तो गाड़ी में CNG किट लगाई जाती है माइलेज को लेकर, माइलेज तो खैर बहुत अच्छी निकलने वाली है, पेट्रोल पर बहुत अच्छी माइलेज है गाड़ी की। तो सर इसी ड्राइव में आपका स्वागत है। आपकी हमने पहले जो गाड़ी में लगाई थी वो थी ब्रेजा, वो कैसी चल रही गाड़ी आपकी? वो एकदम सही चल रही है, बढ़िया चल रही है एकदम सही। अब आपने बिल्कुल अपोजिट गाड़ी ले ली है, एक ली थी आपने वो भी बड़ी गाड़ी मारुति की, एक ली आपने छोटी वाली गाड़ी, ये सेकंड। अभी कैसी चल रही गाड़ी आपकी? ये वाली एकदम सही चल रही है, मैंने टेस्ट ड्राइव कराया उत्ते में एकदम सही चल रही है, बढ़िया चल रही है जैसे पहले पिकअप था वैसा ही है। आपने गाड़ी में डैम्पिंग का काम कराया, कुछ फर्क नजर आया वो डैम्पिंग काम कराने के बाद? आवाज काफी कम हो गई है, दरवाजे भी थोड़े मतलब स्टिफ लग रहे हैं, अच्छे स्टिफ लग रहे हैं आपको। और कुशन बफर आपने लगवाए थे? हाँ उसके लिए मैंने थोड़ा स्पेस कम हो गया था इसके लिए लगवाया मैंने, वो एकदम इक्वल हो गए दोनों के। तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट काम कराने के लिए आप इजी ड्राइव इंदिरापुरम आ सकते हैं, तो आप भी इजी ड्राइव के साथ मिलकर अपने ड्राइव को इजी बनाइए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।